हेलो एवरीवन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन थर्ड्स पोइम द सेड क्लास सेवेंथ एन इंग्लिश बुक सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड लेट्स स्टार्ट नाउ डू यू नो व्हाट अ सेड इज क्या आप जानते हो कि सेड क्या होती है अ काव से टूल से बूट सेगजाम्पल एग्जाम्पल में यहाँ पे आपके दिए गए हैं काव की होती है, टूल होती है जहाँ पर हम स्टोर करते हैं बूट साइड होती है इट्स रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस एक छोटा सा रूम होता है घर में बिल्कुल घर के सामने फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स एनिमल्स टूल व्हीकल एक्सेट्रा वहां पर हम स्टोर करते हैं सामान को जैसे की एनिमल्स है ठीक है कीप करके रखते हैं थिंग्स को टूल्स को विकल्स को एट्सेट्रा आस्क योर पार्टनर इफ सी ही हैज़ एवर सीन अ सैड अपने पार्टनर से पूछो क्या उन्होंने कभी सैड को देखा है लेट हर हिम डेस्क्राइब इट टू द क्लास नाउ रीड द पोएम अब हम ये पोएम पढ़ेंगे इसमें सैड के बारे में बताया गया है देयर सैड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन इसमें जो पोइट है कवि, वो ये बताते हैं कि हमारे बगीचे के नीचे की ओर एक सैड है विद आ स्पाइडर द डोर और जिसके दरवाजे के ऊपर मकड़ी का जाला लटका हुआ है दिन्स आर रस्टी एंड क्रिक इन दिड और जो वहां के हिन्स हैं कब्जे हैं वो जंग खाए हुए हैं और जिनमें से हवा चलने से क्रिक क्रिक की आवाज आती है मैन आई एम इन बैड आई लाइक एंड आई लिशन जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ तो उसे सुनता हूँ आई ओपन दैट डोर वन डे और मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूँगा देर आर डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ थ्री क्रैक्ड पेंस ऑफ ग्लास उसके एक तरफ एक गंदी सी पुरानी खिड़की है डस्टी और धूल वूल से भरी हुई जिसमें क्या है, ऑफ ग्लास, तीन चटके हुए शीशे हैं आई ऑफन थिंक दे आर स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास और जब भी वहाँ से मैं गुजरता हूँ तो मुझे एहसास होता है मुझे ये महसूस होता है कि वहाँ कोई है जो मुझे

जो कि गले हुए फर्श के जो बोर्ड्स हैं तख्ते हैं उनके नीचे छुपा हुआ है एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फूट इन साइड और यदि मैंने उसके अंदर जाने की भी कोशिश की तो वो कूद कर बाहर आ जाएगा और मेरा सर क्या कर देगा चॉप ऑफ कर देगा काट देगा बट आई टेक अ पीक वन डे लेकिन मैं एक दिन अंदर जरूर जाऊंगा आई नो दियर इजेंट रियली जानता हूं कि सच में कोई भूत नहीं होता माई ब्रॉदर टेल्स लाई टू कीप दैड फॉर हिज देन मेरा भाई उस जो सैड है उसको अपनी क्या बनाना चाहता है Dan, गुफा बनाए रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है देर इज एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग कोई भी नहीं है जो घूर रहा है या फिर अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब और अब मकड़ी भी अपने जाल से जा चुकी हैं सिंस आई डोंट नो वैन अब क्या होगा कि जो कि मैं नहीं जानता कि कब से आई गो इन टू दैट सैड वन डे सून लेकिन मैं एक दिन जल्दी ही इस जो सैड है उसमें जरूर जाऊँगा बट नाउ जस्ट येट लेकिन अभी तो नहीं हाँ बट जाऊँगा अब इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे फर्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हु इज़ द स्पीकर इन द पोईम तो इसमें स्पीकर कौन है इस पोईम में इट इज नॉट वेरी क्लियर इसमें बिल्कुल क्लियर तो नहीं है हु इज द स्पीकर इज पर द स्पीकर इज होइट हिम सेल्फ क्योंकि जो पोइट है वही स्पीकर है इसका सेकेंड क्वेश्चन है इज सी ही कुरियस और बोथ तो यहाँ पे आप सेकेंड का आंसर करोगे द स्पीकर सीम्स टू बी बोथ कुरियस एज वेल एज अफ्रेड टू गो इन साइड द सेट क्योंकि वो कुरियस भी था बोथ दोनों था मीन्स कुरियस भी था अफ्रेड भी था डरा हुआ भी था सेट के अंदर जाने के लिए ही वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज इन साइड द सेट लेकिन वो ये भी चाहता था कि उसे अंदर जाना सेट में ये फाइंड आउट करने के है क्या एट द सेम टाइम ही इज अफ्रेड बिकॉज ही थिंक्स दैटेन्ज बॉइज कुड भी हर्ड फ्रॉम देयर एंड हेयर एंड देयर इज पॉसिबली अ गोस्ट हु लिव्स इन साइड द सेट कुछ दोनों चीज थी उसके साथ ठीक है उत्सुक भी था वो और फ्रेड भी था डरा हुआ भी था थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सी ही प्लानिंग टू डू सून तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आंसर ही सी प्लान्स टू गो इनसाइड द सैड आफ्टर सम डे सून वो जल्दी ही किसी ना किसी दिन सैड के अंदर जरूर जाएगा फोर्थ क्वेश्चन है आपका बट नॉट जस्ट सजेस्ट डाउट फियर हैजिटेशन लेजीनेस और समथिंग एल्स चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू टेल अदर वाई यू चूज इट आंसर आपको फोर्थ का आंसर है बट नॉट जस्ट यर सीम्स टू सजेस्ट लैक ऑफ प्रिपेरेशन द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी फर्दर सर्टेन एंड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस एंड अवेयर ही हैज ऑलरेडी ओवरकम हिज फीयर सो देयर Is no fear. However, waiting for the right time could be a reason for postponing the act. Second question hai is aapka, Is there a room in your house or a house in your neighborhood, locality, where you would rather not go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it. लेट अदर हियर ऑल अबाउट एट तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है डू इट योर सेल्फ क्योंकि अपने नेबरहुड की या लोकेलिटी की आपको एक स्टोरी बतानी है कि वहाँ आप रात में अकेले नहीं जा सकते हो इस तरह से तो यहाँ पर मैं आपको फिर भी इसका आंसर बता देती हूँ देयर इज अर स्टोर रूम इन माई हाउस विच इज इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस इट इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर इट इज़ फुल ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट इवन ए लिट प्रोपरली Thus, going to the storeroom at night calls for a lot of courage. My mother once asked me to fetch certain things from the storeroom. When I entered the storeroom, I felt as if I saw the movement of shadows. I screamed with terror, but later got to know, but later got to know that uh, those shadows were nothing. But my mind's imagination. So we have completed this poem with question and answer. If you like this video say your comment and don't forget to press bell like. icon. Okay. Bye.